हाय फ्रेंड्स, आज मैं देखिए कितना प्यारा सा स्वेटर की डिजाइन लेकर आई हूँ। इस डिजाइन से लेडीज कार्डिगन, लेडीज कोटी, गर्ल्स टॉप या गर्ल्स ये लेडीज स्वेटर, जेंट्स के स्वेटर पर, बच्चों के स्वेटर पर, कैप पे, किसी भी प्रोजेक्ट पर डाल सकते हैं इसको। बहुत ही खूबसूरत डिजाइन है ये। आज मैं इसी डिजाइन को आप सभी के साथ शेयर करूंगी। वीडियो पूरा देखिएगा ताकि समझ में आए कि कैसे बना हुआ है। और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी वीडियो को नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आइए शुरू करते हैं इस डिजाइन को बताना। देखिए देखिए ये पहला फंदा है तो हम इसी तरह ले लिए। अब यहां पर धागा पीछे रखेंगे, एक दो तीन, तीन फंदा सीधा। अब यहां पर दो को एक करेंगे, इन दो फंदा को लेकर एक करेंगे, और यहां पर एक फंदा ये हम जाली देंगे। एक फंदा सीधा बुनेंगे और एक जाली देंगे, फिर यहां पर एक जाली देंगे, दो को एक करेंगे, दो को एक करते हुए यहां पर एक जाली देंगे, और फिर बीच में पांच फंदा सीधा बुनेंगे। एक दो तीन चार पांच, पांच फंदा सीधा, धागा अपने तरफ, सॉरी धागा पीछे ही रखेंगे और दो को एक करेंगे। पहले दो को एक कर दिए, अब यहां पर एक फंदा हम सीधा बुनेंगे, जाली देंगे। एक जाली आ गया, एक फंदा सीधा, फिर दो को एक करेंगे जाली देते हुए। फिर यहां पर एक दो तीन, अब उल्टे की तरफ से पूरा रो उल्टा उल्टा बुन के कंप्लीट करेंगे। रो दो कंप्लीट कर लिए उल्टे की तरफ से, उल्टा उल्टा बुन के। अब सीधे की तरफ से रो तीन, तीसरा रो देखिए, एक दो, दो फंदा सीधा, अब यहां पर दो को एक करेंगे, दो को एक कर दिए, अब यहां पर हम एक जाली देंगे। एक दो तीन, तीन फंदा सीधा, धागा अपने तरफ, अब यहां पर दो को एक करते हुए जाली देंगे। एक एक जाली आ गया, दो को एक कर दिए, बीच में यहां पर एक दो तीन, तीन फंदा सीधा, अब फिर हम दो को एक करेंगे, दो को एक कर दिए, यहां पर एक जाली आ गया। एक दो तीन, तीन फंदा सीधा, फिर यहां पर हम दो को एक करेंगे जाली देते हुए। फिर एक दो, दो फंदा सीधा, ये लास्ट का फंदा है तो इसको हम सीधा बुनेंगे। उल्टे की तरफ से पूरा रो उल्टा उल्टा बुन के कंप्लीट करेंगे। रो चार कंप्लीट हो गया उल्टे की तरफ से उल्टा उल्टा बुन के। अब सीधे की तरफ से रो पांच, पांचवा रो है ये। अब यहां पर हम एक फंदा सीधा बुनेंगे और दो को एक करेंगे, ये दो को एक कर दिए, फिर यहां पर हम जाली देंगे। एक दो तीन चार पांच, पांच फंदा सीधा, धागा अपने तरफ, अब फिर यहां पर जाली देते हुए दो को एक करेंगे। एक जाली आ गया, दो को एक कर दिए, अब फिर यहां पर एक फंदा सीधा, फिर हम दो को एक करेंगे, दो को एक कर दिए, अब यहां पर एक जाली एक आ गया, और एक दो तीन चार पांच, पांच फंदा सीधा, फिर यहां पर हम दो को एक करेंगे जाली देते हुए। अब फिर एक फंदा सीधा, ये लास्ट का फंदा है तो इसको भी हम सीधा बुनेंगे। रो पांच कंप्लीट हो गया, अब रो छः,
छठा रो उल्टे की तरफ से उल्टा उल्टा बुनकर कंप्लीट करेंगे। रो 6 कंप्लीट हो गया। अब रो 7, सातवां रो सीधे की तरफ से। अब यहां पर एक फंदा हम सीधा बुनेंगे और दो को एक करेंगे, एक जाली देंगे और दो को एक करेंगे। अब फिर हम यहां पर एक दो दो फंदा सीधा बुनेंगे। अब ये बीच का फंदा है तो इसमें देखिए 1 2 3 4 5, पांचवे फंदा में क्या करेंगे, इस तरह से हम इसको इस तरह से निकालेंगे, 1 2 3 4 5, पांच निकल गया, छठा ये 1 6। अब इसको हम इस तरह से बनाएंगे, ये देखिए 1 2 3 4 5, ये बन गया। अब फिर हम यहां पर दो फंदा सीधा बुनेंगे, 1 2, अब फिर दो को एक करेंगे। अब इस फंदा में हम जाली देंगे, एक जाली आ गया, फिर एक जाली देंगे दो को एक करते हुए, इस तरह से बनाएंगे। और फिर यहां पर दो फंदा हम उल्टा बुन सीधा बुनेंगे, 1 2, फिर उसी तरह से इसमें बनाएंगे 1 2 3 4 5, एक दो तीन चार पांच एक छः। फिर हम इसको सेम उसी तरह से बनाएंगे, इसके ऊपर से उतारेंगे एक एक फंदा लेकर इस तरह से, अब फिर दो फंदा सीधा बुनेंगे, 1 2, अब फिर यहां पर हम दो को एक करेंगे, एक जाली देंगे और ये लास्ट का फंदा है तो इसको सीधा बुनेंगे। उल्टे की तरफ से पूरा रो उल्टा उल्टा बुनकर कंप्लीट करेंगे। उल्टे की तरफ से पूरा रो कंप्लीट हो गया। अब सीधे की तरफ से, सीधे की तरफ से फिर हम इस तरह बनाएंगे, 1 2, दो फंदा सीधा, यहां पर दो को एक करेंगे जाली देते हुए, दो को एक कर दिए, एक जाली आ गया, फिर यहां पर बीच में 1 2 3, तीन फंदा सीधा, फिर हम दो को एक करेंगे, दो को एक कर दिए और फिर यहां पर एक जाली देंगे, 1 2 3, तीन फंदा सीधा, फिर हम दो को एक करेंगे जाली देते हुए और फिर 1 2 3, तीन फंदा सीधा, फिर हम दो को एक करेंगे, दो को एक कर दिए, एक जाली आ गया, 1 2, दो फंदा सीधा, ये लास्ट का फंदा है तो इसको भी हम सीधा बुनेंगे। उल्टे की तरफ से पूरा रो उल्टा बुनेंगे। उल्टे की तरफ से पूरा रो कंप्लीट हो गया। अब सीधे की तरफ से, सीधे की तरफ से फिर यहां पर देखिए 1 2 3, तीन फंदा सीधा। अब यहां पर क्या करेंगे, एक जाली देंगे, दो को एक करेंगे और एक जाली देंगे और एक फंदा सीधा बुनेंगे, फिर यहां पर दो को एक करेंगे और एक जाली देंगे, 1 2 3
चार पांच, पांच फंदा सीधा, फिर यहां पर दो को एक करेंगे जाली देते हुए, और फिर एक फंदा सीधा बुनेंगे, फिर हम दो को एक करेंगे, फिर यहां पर एक जाली देंगे, एक दो तीन, तीन फंदा सीधा, ये लास्ट का फंदा है तो इसको भी हम सीधा बुनेंगे। अब उल्टे की तरफ से पूरा रो उल्टा बुनेंगे। ये डिजाइन बन के कंप्लीट हो गया, इसी तरह से ये डिजाइन बनेगा। एक रो मैं और बता देती हूँ कि देखिए, अब यहाँ पर ये इस तरह से बनाएंगे, फिर एक दो तीन, तीन फंदा सीधा, अब फिर हम यहाँ पर दो को एक करेंगे, सेम उसी तरह से रिपीट करना है, फिर यहाँ पर एक जाली देंगे, फिर यहाँ पर दो को एक करेंगे जाली देते हुए, दो को एक कर दिए, एक जाली आ गया। अब यहाँ पर दो फंदा सीधा बुनेंगे, एक दो, अब फिर इसी तरह बनाएंगे, एक दो तीन चार पांच, एक दो तीन चार पांच छः, अब फिर एक दो तीन चार पांच, पांच फंदे ऊपर से उतर गया। अब क्या करेंगे यहां पर, एक दो, दो फंदा सीधा, फिर हम दो को एक करेंगे, और ये लास्ट का फंदा, सॉरी, यहां पर एक जाली देंगे, एक एक जाली आ गया, फिर यहां पर हम दो को एक करेंगे जाली देते हुए, और फिर एक दो तीन, तीन फंदा सीधा, ये लास्ट का फंदा है तो इसको भी सीधा बुनेंगे। इसी तरह से ये डिजाइन को बनाएंगे, बन के ये इस तरह से आएगा। देखिए कितना खूबसूरत ये डिजाइन है। अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी वीडियो को नोटिफिकेशन मिलता रहे, और स्वस्थ रहे, खुश रहे। फिर मिलती हूँ मैं कुछ नई डिज़ाइन लेकर आप सभी के साथ।